वालेकुम एंड वेलकम बैक और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेकेजम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के किस तरह ब्लड में हमारे पास जो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है और इनकी सारी मेकेज़म को डिस्कस करेंगे और बहुत सी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा तो लेक्चर को एंड तक देखना और एक पॉइंट भी मिस नहीं करना ठीक है अच्छा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं ठीक है मेकेजम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज़ गैस इसके लिए जो मीडियम है वो हमारे पास ब्लड है ब्लड इज़ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द बॉडी ठीक है ऑक्सीजन हमारे पास लंग से टिशू की तरफ जाता है और सीलुलर इस्पायरेशन वहाँ टिशू में सिलुलर इसपायरेशन होता है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास टिशू में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है प्रोड्यूस होता है तो वहाँ कार्बन uh, डाइऑक्साइड फिर टिशू से लंग की तरफ आ जाता है पर एक्सहेलेशन ठीक है क्यों यह हार हार्मफुल गैस है ब्लड में ये पीच ज़्यादा करता है और ये हमारे पास डिस्टर्बेंस पैदा करते हो तो इसलिए इनकी जो एक्सहेलेशन है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है रिस्पायरेटरी गैस में हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो इस लेक्चर में हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट आप ऑक्सीजन इन ब्लड डिस्कस करेंगे कि किस तरह यह ट्रांसपोर्ट होती है ठीक है ऑक्सीजन हमारे पास दो पाउस में ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट करती है हीमोग्लोबिन हमारे पास 97 सेवन परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है और प्लाज्मा हमारे पास एज ए डिजॉल पम्प में थ्री परसेंट यह हमारे पास कैरी करता है ठीक है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का मोर एफिनिटी है तो इसलिए यह ज़्यादा परसेंट कैरी करता है ठीक है और प्लाज्मा में हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता लेसबल है प्लाज्मा में तो इसलिए यह थोड़ा कैरी करता है थ्री परसेंट ठीक है अच्छा कुछ टर्मिनोलजीज़ है तो इनको याद करना ज़रूरी है ठीक है एज अक्सी हेमोग्लोबिन हमारे पास नाइन्टी सेवन परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन अगर हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाए तो यह हमारे पास नाइन्टी सेवन परसेंट यह ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है हमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कम्बाइन होता है तो इसको अक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कम्बाइन होता है तो इनको कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन कहता है और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कम्बाइन होता है तो इनको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं ठीक है और जब के हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होता है तो इनको हीमोग्लोबोनिक एसिड कहते हैं ठीक है थीके? एक आरबीसी में हमारे पास 200 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन होता है ठीक है कितने कसीर تعداد में है ठीक है अच्छा हमारे पास एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरि कैटायन के साथ अटैच होता है तो पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस आ, हेमोग्लोबिन ये रिएक्शन करता है इससे हमारे पास हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन मेकूल को कैरी करता है और ये और ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास एयर रिवर्सिबल है ठीक है जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये रिएक्शन रिवर्स होगा और जहाँ ऑक्सीजन ये लेगा हेमोग्लोबिन तो ये हमारे पास फॉरवर्ड जाएगा ठीक है तो एज अक्सीमोग्लोबिन हमारे पास इस तरह एक रिएक्शन होता है इस तरीके तरीकेकार से हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है और इधर एक एंजाइम यूज होता है आ, तो पोर ऑक्सीजन मालिकूल प्लस हीमोग्लोबिन तो इधर एक एंजाइम यूज़ होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये हमारे पास आरबीसी में प्रजेंट होता है ठीक है अच्छा फिर हीमोग्लोबिन की सिचुरेशन की बात करेंगे कि कम्प्लीटली सिचुरेटेड पार्शली सिचुरेटेड कैसे कहते हैं ठीक है थीके? तो हमारे पास अगर पोर ऑक्सीजन मालिकूल कंबाइन हो जाए हेमोग्लोबिन के साथ तो ये हमारे पास कम्प्लीटली सचोरेटड होता है ठीक है और अगर इस तरह हो जाए कि हमारे पास आल हीम पार्ट आप आल हेमोग्लोबिन आप आल बॉडी ठीक है हमारे पास बॉडी में जितने भी होमोग्लोबिन है इनके हिम पार्ट से अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो ये हमारे पास 100 परसेंट सिचुरेटेड या कम्प्लीटली सिचुरेटेड होता है और जब जबकि हमारे पास वन या टू या थ्री ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाए तो यह हमारे पास पर्शली सचुरेट होता है ठीक है तो चलें नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं अच्छा नॉर्मल रेंज ऑफ सिचुरेशन जो होता है हीमोग्लोबिन का तो यह हमारे पास एडल्ट एडल्टेल्थी ह्यूमन का नाइन्टी फाइव टू नाइनटी नाइन परसेंट होता है ठीक है अच्छा एक टर्म यूज़ होता है ऑक्सीजन केरियन कैपेसिटी के एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन ठीक है हीमोग्लोबिन का एबिलिटी के वो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कम बाइंड हो जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन केरियन कैपेसिटी के डायरेक्टली प्रपोर्शन टू पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना हमारे पास पार्शल प्रेशर ज़्यादा होगा तो उतनी हमारे पास बाइंडनेस ऑफ हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन ज़्यादा होगी ठीक हो गया अच्छा अब पार्शल प्रेशर आप ऑक्सीजन किया है पार्शल प्रेशर कैसे कहते हैं तो हमारे पास आयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस में बहुत से गैसेस है तो एक गैस का जो प्रेशर होगा तो इनको हम पार्शल प्रेशर कहते हैं प्रेशर आप सिंगल गैस इज कार्ड पार्सल प्रेशर ठीक है अच्छा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन कब होता है तो तब होता है जब हमारे पास हंड्रेड परसेंट सिचुरेशन हो एक्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और हमारे पास हंड्रेड एम एल ऑफ़ ब्लड में अगर ट्वेंटी एम एल ऑफ़ ऑक्सीजन हो एट हंड्रेड एम एम आफ अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो तो यह हमारे पास मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन अचीव होता है ठीक है अच्छा एज अ डिज़ोल्व फॉर्म हमारे पास प्लाज्मा में थ्री परसेंट कैरी हो जाता है ऑक्सीजन ठीक है क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो लेस सॉलेबल है इन प्लाज्मा ठीक है तो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी एंड डिज़ोल्व फॉर्म हमारे पास अगर हंड्रेड एम एल आप प्लाज्मा होगा तो ये हमारे पास जीरो पॉइंट थ्री एम एल आप ऑक्सीजन मैक्सिमम कैरी करता है इनसे सिवा कैरी नहीं करता है इनसे अबाउट ठीक है और ये हमारे पास कब इच्यू होता है जब हंड्रेड एम एम आर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो ठीक है अच्छा पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन लंग हमारे पास हंड्रेड एम एम आर होता है तो लंग यह होता है यह हमारे पास कीपरी होता है तो यह हाई पार्शल प्रेशर होता है तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना पार्शल प्रेशर ज़्यादा होगा तो इन तो यह हमारे पास ब्लड की तरफ ट्रेवल करेगा और हीमोग्लोबिन के साथ यह कंबाइन होगा ठीक है और टिशू में हमारे पास पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पोटी इम एम ऑफ जी होता है तो वहाँ हमारे पास हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होता है टिशू टिशू के लिए कि वहाँ सेलूलर एक्सपायरेशन हो जाए ठीक है अच्छा ये जो लेक्चर है ये हमने दोबारा रिकॉर्ड की क्योंकि वो डिलीट हो गया था पहले हमने ये रिकॉर्ड की थी पर यह होता रहता है ठीक है मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और यह हमारा शौक़ है कि इस माशरे को मुझसे क्या फ़ायदा है ठीक है अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक तो इन हाई मेटाबॉलिक टिशू जिस टिशू में हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है मतलब वह रिएक्शन और एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है तो वह हमारे पास फॉर एग्जांपल मसल हो गया तो वह ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है वो ट्वेंटी एम एम है और जबकि ब्लड में क्या होता है हंड्रेड एम एम होता है तो कितना डिफरेंस हो गया अस्सी एम एम ठीक है तो गैस हमारे पास हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाता है तो ब्लड से हमारे पास मसल की तरफ ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगा क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे पास मसल को प्रोवाइड होगा वहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी ठीक है अगर आप इंग्लिश में इस तरह लिखेंगे सच इज़ मसल पार्सअल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ट्वेंटी एम एम आर पी जी ब्लड हंड्रेड एम एम आर पी ऑक्सीजन डिसोसिएट फ्राम हेमोग्लोबिन एंड इंटर टू टिशू बिकॉज गैस ट्रेवल फ्राम एरिया ऑफ हाई पॉस्टर प्रेशर टू एरिया ऑफ लो पॉस्चर प्रेशर ठीक हो गया अच्छा नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं इन लो मेटाबॉलिक टिशू अब आ, वो टिशू जिसमें हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है वहाँ एनर्जी लेस एमाउंट ऑफ प्रकोवाइड होती है तो ये हमारे पास एडपोज टिशू आ जाती है जहाँ हमारे पास पॉस्चर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटी एम एम आर पोजी होती है और टू एटी के बीच होती है ठीक है और ब्लड में हमारे पास हंड्रेड एम एम जी होती है तो डिफरेंस कितना हो गया तकरीबन बीस या चालीस हो गया तो लेस डिफरेंस है तो हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रेवल करेगा प्रॉम ब्लड टू टिशू दिस पार्टिकुलर टिशूडिपोज टिशू तो इधर हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है तो इसलिए जो ऑक्सीजन है वो ले हमारे पास डिसोसिएट होगा प्राम हेमोग्लोबिन और इस टिश्यू को प्रोवाइड करेगा ठीक है अच्छा अटैचमेंट एंड अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन डिपेंड ऑन पीच पीट भी यह डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो हमारे पास बाइंडनेस ऑफ हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ज़्यादा होगी ठीक है अच्छा फिर कुछ टर्मिनलोजीज एम सी क्यूज के लिए याद करें यह आ जाती है जनरली और आइडियली हम अगर बात करें रिस्क रिस्क की हालत में तो हमारे पास हंड्रेड एम एल आप अगर आर्टीरियल ब्लड होगा तो इनमें हमारे पास ट्वेंटी एम एल आप ऑक्सीजन होती है ठीक है आर्टीरियल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है तो हंड्रेड परसेंट सिचुरेशन आप हेमोग्लोबिन होता है और हंड्रेड एम एम आप ऑक्सीजन होता है ठीक है बट ये आइडियल केस था नॉर्मली हमारे पास अगर आर्टीरियल ब्लड हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो 100 एम एल ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो तो इनमें हमारे पास 19.4 पॉइंट फोर एम एल आपसीजन होता है ठीक है नाइन्टी सेवन परसेंट सेचोरेशन होता है और नाइन्टी फाइव एम एम आप जी हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर होता है अच्छा अगर हम वीनस ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें हंड्रेड एम एल आप डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे पास फोरटीन पॉइंट फोर एम एल आपसीजन होता है सीवेंटी परसेंट सिचुरेशन और पोर्टी एम एम जी ऑक्सीजन का जो पार्शल प्रेशर होता है तो डिफरेंस कितना हो गया ब्लड में मतलब जो जो ब्लड टिशू की तरफ जाता है और जो टिशू से वापस आता है इधर हमारे पास ऑक्सीजन छोड़ता है तो ये वीनस ब्लड है और जो टिशू की तरफ जाता है वो हमारे पास आर्टीरियल ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो डिफरेंस हमारे पास 19.4 पॉइंट फोर से अगर हम 14.4 पॉइंट फोर माइनस करें तो हमारे पास पाइप एम एल आप ऑक्सीजन यह हमारे पास आ जाता है ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एच हंड्रेड एम एल आप ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर होगा तो यह हमारे पास टिशू को पाइप एम एल आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ईच साइकिल में ठीक है मतलब हंड्रेड एम एम आप हंड्रेड एम एल आप आर्टीरियल ब्लड टिशू की तरफ जाता है तो ये हमारे पास इधर पाइप एम एल आप ऑक्सीजन तो छोड़ता है रिस्ट की हालत में और बाकी जो जाता है वो हमारे पास वीनस ब्लड जाता है और ये 14.4 पॉइंट फोर एम एल में होता है इधर में 14.4 पॉइंट फोर एम एल ऑक्सीजन होता है तो ये हमारे पास ईच हंड्रेड एम एल ऑक्सीजनेटेड या आर्टीरियल ब्लड हमारे पास इतना पाइप एम एल आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टिशू टिशो को ठीक है अच्छा ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर हम बात करें तो 100 एम ऑफ आप ब्लड में सिमिलरली 19.4 पॉइंट एम एल आप ऑक्सीजन होता है 97 सेवन परसेंट सेचुरेशन होता है और 95 फाइव mm एम एम पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ठीक है अगर हम बात करें हंड्रेड एम एल वीनस ब्लड की ड्यूरिंग एक्सरसाइज़ तो इनमें हमारे पास 14.4 पॉइंट फोर एम एल होता है ट्वेंटी परसेंट और एटीन एम एम जी ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर होता है तो इट्स मीन दैट नाइन्टी फोर नाइन्टीन पॉइंट फोर एम एल ब्लड था जो ब्लड टिशू की तरफ जा रहा था जो टिशू से आ रहा है वो फोर पॉइंट फोर एम एल है तो इनका डिफरेंस कितना होगा फोर्टीन एम एल तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो एक्सरसाइज में ब्लड टिश्यू को प्रोवाइड करता है वो फिफ्टीन एम एल ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है तो इसका मतलब यह हो गया कि ईच हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड हमारे पास ड्यूरिंग एक्सरसाइज फिफ्टीन एम एल ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टिश्यू को ठीक हो गया है? तो ये इम सिक्यूज़ में आ जाता है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज कितना ऑक्सीजन देता है और टिशू को और ड्यूरिंग रेस्ट हालत में तो ये चीज़ें याद करना है ठीक है अच्छा प्लाज्मा हमारे पास कितना ऑक्सीजन कैरी करता है रिस्क की हालत में तो अगर जनरली और आइडियली हम बात करें तो हंड्रेड एम एल आप ब्लड प्लाज्मा में सॉरी हंड्रेड एम एल आप प्लाज्मा तो ये हमारे पास ज़ीरो पॉइंट थ्री एम एल आपसीजन एन के साथ होता है ये कैरी करता है हंड्रेड परसेंट सिचुरेशन होता है और हंड्रेड एम एम आप का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है अच्छा बट नॉर्मली हमारे पास हंड्रेड एम एल आप एक्टीरियल प्लाज्मा मतलब ऑक्सीजनेटेड प्लाज्मा होगा तो ये हमारे पास जीरो पॉइंट टू नाइन एम एल आप ऑक्सीजन कैरी करेगा नाइन्टी सेवन परसेंट सिचुरेशन होगा एन नाइन्टी फाइव आई एम एम आर पी जी ऑक्सीजन का हमारे पास पार्शल प्रेशर होगा और जबकि वीनस प्लाज्मा हंड्रेड एम एल ऑफ वीनस प्लाज्मा में हमारे पास जीरो पॉइंट वन टू एम एल ऑफ ऑक्सीजन होता है सेवेंटी फाइव परसेंट सेचुरेशन एंड फोर टी एम एम आर पी जी ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर होता है तो इट्स मीन डेट हमारे पास जो प्लाज्मा जाता है टूअर टिश्यू आर्टीरियल प्लाज्मा तो ये हमारे पास जीरो पॉइंट टू नाइन एम आप ऑक्सीजन करता है कैरी करता है और इधर जो टिश्यू से आता है वीनस प्लाज्मा तो है हमारे पास कितना होता है ज़ीरो पॉइंट वन टू एम आप ऑक्सीजन ये हमारे पास अपने साथ कैरी करता है टूअर्ड ले आता है पर ऑक्सीजनेशन ठीक है तो इसका डिफरेंस अगर हम निकाले जीरो पॉइंट टू नाइन एम एल माइनस ज़ीरो पॉइंट वन टू एम एल तो इससे हमारे पास आ जाता है ज़ीरो पॉइंट वन सेवन एम एल ऑक्सीजन तो इसका मतलब ये हुआ कि हंड्रेड एम एल आप प्लाज्मा हो गया तो ये हमारे पास जीरो पॉइंट वन सेवन एम एल आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टिशू को ईच हंड्रेड एम एल आप प्लाज, ब्लड प्लाज्मा हमारे पास टिशू को जीरो पॉइंट वन सेवन एम एल आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है तो ये कम मेदार में है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास लेस ऑवलेबल इन प्लाज्मा है तो ये थी आज की लेक्चर में था आपको समझ आई हुई होंगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए फी अमन फीलाना अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा दुआ में याद रखेगा खुदा हाफ़